नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम लोग जो है रीजनिंग के एक नए टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग या क्रम परीक्षण, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, जो है हम टोटल आप थंबनेल में देख चुके होंगे 50 डेज का मतलब ये है कि 50 वीडियो मैं आपको दूंगा। वो वीडियो आपको किस प्रकार मिलेंगे, किस क्रम में मिलेंगे, ये वीडियो आपको बताएगा। मतलब कि अगर ये वीडियो अच्छा रहता है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तभी जो है अगला पार्ट देंगे, नहीं तो फिर जो है नहीं देंगे। जो हमारी पुरानी क्लासेस चल रही हैं वही चलेंगी। तो देखिए, रैंकिंग में जो है 5 नियम हैं, टोटल 5 नियम रैंकिंग में हमारे हैं। तो जिसमें जो है क्रम परीक्षण का मतलब ये है कि देखिए, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों अलग अलग होती है। रैंकिंग के बाद ही सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाता हूँ। तो रैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि रैंकिंग में मिनिमम 10 या 12 लोग रहते हैं, ठीक, और सीटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम 10 या 12 लोग रहते हैं। तो जो रैंकिंग है, रैंकिंग का मतलब क्या हुआ, रैंकिंग जो होती है उसमें जो टाइप 1 हमारा बनता है, टाइप 1 जो बनता है क्या बनता है, देखिए टाइप 1 का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी श्रृंखला को, किसी सीरीज को या किसी व्यक्ति को व्यवस्थित किया जाता है तो 2 तरीके से किया जाएगा, या तो लेफ्ट टू राइट किया जाएगा या तो अपर टू लोअर किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो या तो इस तरह बैठेगा, इस तरह क्रम में खड़ा होगा, और या तो इस तरह के क्रम में खड़ा होगा, ठीक। तो चाहे आप अपर टू लोअर करिए और चाहे आप लेफ्ट टू राइट करिए, अगर मैं कह दूं ए बी सी डी ई एफ जी, अगर मैं इसमें किसी एक को ले लूं, किसी एक को मतलब अगर मैं सी को ले लेता हूं, सी को ले लूं, तो ये क्या कहूंगा, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात सी जो है लेफ्ट से तीसरे नंबर पर है, और राइट से अगर हम बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा राइट से हमारा 5वें नंबर पर है, ठीक। तो अगर हम ये कह दें कि इस श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या बात कर रहे हैं, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल क्या होगा बताइए, अगर हम इसको जोड़े यानी कि 3 और +5, तो 3 + 5 हमारा कितना हो गया, 8। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इसमें तो 7 ही लोग हैं, इसमें 7 लोग हैं तो यहां 8 कैसे आ गए, आपने क्या गलती की। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं इधर से इधर जा रहा था तब जो है एक बार सी को काउंट किया, उसके बाद जब मैं इधर से इधर आ रहा था तब मैंने सी को एक बार काउंट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सी को 2 बार काउंट, कितनी बार काउंट कर दिया, सी को 2 बार काउंट कर दिया। तो इसलिए जो टोटल हो जाएगा हमारा, यानी कि टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट और प्लस राइट दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसमें से 1 कम कर देंगे। हम समझ गए होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 मान लीजिए यही लोग हैं। अगर हम R3 की बात करें तो R3 की अगर हम बात करें तो R3 हमारा लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, जबकि वही राइट से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 राइट से हमारा 5वें नंबर पर है। अगर कोई पूछ ले कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो जो हमारा टोटल होगा अगर हम इस तरह देखें तो 5 3 8 होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 देख रहे 7 ही लोग हैं। तो 7 लोग हैं तो हमने गलत कहां किया, हमने गलत यहां किया कि जब मैं इधर से टोटल कर रहा था तब भी R3 को एक बार टोटल किया, फिर जब मैं इधर से टोटल कर रहा था तब भी हमने R3 को टोटल किया। इसका मतलब हमने R3 को कितनी बार टोटल किया, 2 बार टोटल किया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट है और प्लस राइट है इसमें से 1 माइनस कर देंगे, अर्थात लेफ्ट से 3 राइट से 5 - 1, तो 5 3 8 - 1 यानी कि 7, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो कब था कि जब पंक्ति जो हो
पंक्ति में लोग क्रम वाइज बैठे हो लेफ्ट टू राइट। अगर मान लीजिए अपर टू लोअर बैठा हो, जैसे अगर कह दिया जाए कि एक कक्षा में मोहन का स्थान, एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से पांचवें नंबर पर है, ऊपर से एक दो तीन चार पांच, ऊपर से पांचवें नंबर पर है कौन? मोहन। यू फाइव ऊपर से अपर साइड से पांचवें नंबर पर है और नीचे से ग्यारहवें नंबर पर है। नीचे से क्या है? नीचे से ग्यारहवें नंबर पर है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, नीचे से ग्यारहवें नंबर पर है। तो जो पंक्ति है, पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल की बात अगर हम करें तो टोटल हमारा भाई 11 प्लस 5, 5 इच्छा 16 होना चाहिए। लेकिन 16 क्यों नहीं होगा भाई? हम देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से गिनेंगे तो ऊपर से गिन रहे हैं तब भी ये 5 लोग हो गए, फिर नीचे से जब गिन रहे हैं तब भी गिन रहे हैं। इसका मतलब कि हम मोहन को कितनी बार टोटल किए? मोहन को हम 2 बार टोटल किए। कितनी बार टोटल किए? 2 बार टोटल किए। तो वही जो 2 बार टोटल किए हम एक घटा देते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारा 15 आंसर। ये आपका टाइप 1 था। जब इसके बाद मैं सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपको सीरीज का मतलब कि इसकी जब सॉल्विंग कराऊंगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इसके लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए ये चीज था हमारा टाइप 1। टाइप 1 के बाद देखिए जो टाइप 2 हमारा बनता है, टाइप 2 क्या रहता है? टाइप 2 का मतलब ये है कि मान लीजिए कि टाइप 2 में हमारा एक पंक्ति है जिसमें कुल 20 लोग हैं, ठीक, एक पंक्ति है जिसमें कुल 20 लोग हैं। और मान लीजिए रोहित की हम बात करें तो रोहित अगर लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है और राइट साइड से 8वें नंबर पर है, 2 लोग हैं भाई ए और बी, ठीक। हम कह दें कि ए जो है लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर है, बी जो है राइट साइड से 8वें नंबर पर है, ठीक। ए लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर है और बी राइट साइड से 8वें नंबर पर है और पंक्ति में टोटल 20 लोग हैं। कितने लोग? टोटल 20 लोग हैं। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं? बीच में कितने लोग बैठे हैं ये अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई? देखिए लेफ्ट से 5वें नंबर पर है और ये राइट से 8वें नंबर पर है, तो जो बीच के लोग हैं वो क्या होंगे? देखिए अगर हम लेफ्ट और राइट जोड़ दें तो लेफ्ट और राइट अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 प्लस 8 यानी कि 8 5 13। और टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। लेकिन हम 20 में से 13 को काउंट कर चुके हैं, 13 7 20 यानी कि 7 लोग हमारे बीच में होने चाहिए। बीच में कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग। लेकिन चलिए आइए हम देखते हैं 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर इधर से 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। ये चीज है, ये है, इतने लोग हमारे हुए। तो अब हम देख रहे हैं 20 हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 8 इधर, 8 5 13 और 7 यहां। तो अब देख रहे हैं कितने लोग हैं यहां, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं हमारे? 7 लोग हैं हमारे पास। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीच की संख्या निकालनी हो हमको तो जितना लेफ्ट से दिया है वो, जितना राइट से दिया है वो, दोनों को टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद जितने लोग हैं उसमें से घटा दीजिए, हमको ये पता चल जाएगा कि बीच में कितने लोग हैं। अगर हम ये कह दें कि ए और बी के, ए और बी के ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में कौन है, ठीक, तो ठीक बीच की अगर बात की जाए तो देखिए यहां 7 आ गया ना, 7 आ गया, तो 7 का बटे 2 कर दीजिए तो 2 = 6, यानी कि जो चौथा होगा
जो चौथा होगा अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो चौथा होगा ये हमारा ए और बी के ठीक बीच में होगा। तो ये चीज था हमारा क्या, ये हमारा था टाइप टू। अब देखिए एक तो ये था, एक चीज था कि जब कुल अधिक से, जब जो बीज की संख्या है वो हमारे टोटल से अधिक होगा। जैसे क्वेश्चन अगर यही रहता, क्वेश्चन हमारा यही रहता कि टोटल 20 लोग हैं और एक स्थान लेफ्ट से कुछ है और राइट से कुछ है। मान लीजिए एक लेफ्ट से हमारा 10वें नंबर पर है और बी राइट से हमारा 12वें नंबर पर है, ठीक। तो अगर इस तरह रहता और पूछ लेता कि बीच में कितने लोग हैं, तब हम क्या करते। जब आप देखिए ये हमारा लेफ्ट से 10वें नंबर पर है और ये हमारा राइट से 12वें नंबर पर है। जब लेफ्ट और राइट का योग, लेफ्ट प्लस राइट करिए कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 10 12 10 22। लेफ्ट प्लस राइट किए तो हमारा आ गया 22, लेकिन टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो जब टोटल 20 लोग हैं तो इसका मतलब कि बीच में जो है कुछ लोग हमारे हैं। तो यहां पे भाई हम देख रहे हैं, अगर हम बीच की संख्या निकालेंगे तो बीच की संख्या 20 माइनस 22 यानी कि तो -2 आ गया। बीच की संख्या हम देखें तो ये कैसे -2 आ गया। तो हमने गलत काम किया, ये देखिए हमने गलत ये किया कि देख रहे हैं कि जब हम इधर से जा रहे थे, जब हम लेफ्ट साइड से जा रहे थे तब भी हमने इतने लोगों को काउंट किया एक बार, फिर जब हम इधर से आ रहे थे तब भी हमने काउंट किया। अर्थात जब हम इधर से आएंगे तो एक बार ए को काउंट करेंगे, इधर से आएंगे तो एक बार बी को काउंट करेंगे, अर्थात हमने दो लोगों को ज्यादा काउंट कर दिया, ठीक। दो लोगों को हमने क्या किया, ज्यादा काउंट कर दिया। तो बीच के व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी लेफ्ट प्लस राइट -2 कर देंगे हम। क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो लेफ्ट प्लस राइट -टोटल -2। तो बीच की संख्या जो हो जाएगी हमारी वो यही बन जाएगी, ठीक। जब लेफ्ट प्लस राइट का योग, लेफ्ट प्लस राइट का योग हमारा टोटल से अधिक हो तो जो बीच की संख्या होगी वो हमारी ये हो जाएगी। अर्थात लेफ्ट कितना है, लेफ्ट प्लस राइट 22 है, माइनस टोटल 20 है, -2 है, बराबर 0। अर्थात बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। अगर अभी यही टोटल की जहां पे 22 कर देते, अगर 22 लोग होते तो हम क्या देखते कि 22 थे हमारे और तो यल प्लस आर में से 2 कम कर दीजिए, यल प्लस आर में से 2 कम करेंगे तो 20 बचेंगे और टोटल में से घटा दीजिए तो 22 में से 20 घटा देते तो 2 लोग बचते। तो बीच में कितने लोग आ जाते, 2 लोग आ जाते। अभी मैं केवल नियम बता रहा हूं, जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आप और अच्छे समझ में आए। तो बीच की संख्या निकालने के लिए ये है, देखिए पहला नियम तो ये था कि जब दोनों यल प्लस आर का योग टोटल से कम हो तब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो टोटल में से यही यल प्लस आर घटा देंगे। दूसरा है कि जब यल प्लस आर का मान टोटल से अधिक हो तब हम क्या करेंगे कि यल प्लस आर में 2 घटा करके टोटल से घटा देंगे, ठीक। तो ये दो चीज, ये दो फॉर्मूला हमारा था टाइप 2 में। इसके बाद जो आपका टाइप 3 बनता है, टाइप 3 क्या बनता है, देखिए टाइप 3 आपका बनता है कि जब टाइप 3 बनता है कि जब आपस में स्थान बदल गए। मान लीजिए कि महिमा लेफ्ट से, महिमा का स्थान लेफ्ट से 12वें नंबर पर है। क्वेश्चन देख रहे होंगे कि महिमा का स्थान लेफ्ट से दाएं से 12वें नंबर पर है और कमलेश का स्थान दाएं से 9वें स्थान पर है। अगर महिमा और कमलेश आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो महिमा का स्थान लेफ्ट से 20वें नंबर पर पहुंच जाता है। मतलब कि ये महिमा जो लेफ्ट से 12वें नंबर पर है, ये कमलेश है जो राइट से 9वें नंबर पर है। दोनों लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात महिमा यहां चली जाती है और महेश यहां चला आता है। जब आपस में स्थान बदल लेते हैं
तो जो कमी महिमा है, महिमा कहां पहुंच जाती है, लेफ्ट से 20वें नंबर पर पहुंच जाती है। तो दो इसमें से दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि तब महेश का स्थान दाएं से कौन सा स्थान होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि महिमा और कमलेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि महिमा और कमलेश के बीच में या कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए इस सब का हल जो है केवल एक इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा। महिमा कहां थी, 12वें नंबर पे थी, कहां पहुंच गई, 20वें नंबर पे पहुंच गई। कितने लोगों को पार किया महिमा ने, 8, यानी कि 12 से कहां पहुंची, 8 पर, 8 जुड़ गया। इसका मतलब कि जब कमलेश का जोड़ा जाएगा, कमलेश भी 9 से कहां पहुंचेगा, 8वें स्थान पर, अर्थात 9, 8, 17। कमलेश भी हमारा कितने पे पहुंच जाएगा, 17 पे पहुंच जाएगा। और अगर हम बीच की बात करें कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हम देख रहे हैं किसने जो है ये स्थान हमारा, जब ये यहां से यहां जाएगी तो इसको हम दो बार काउंट कर लिए। इसलिए जो बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बीच के व्यक्तियों के लिए जितने लोगों को पार किए हैं उसी में से एक घटा देंगे, अर्थात बीच में 7 व्यक्ति हो जाएंगे। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वही टाइप 1। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7, 2, 9, 1, 1, 2, 29 माइनस 1 या फिर 28। उसी तरह अगर हम चाहें इधर भी कर सकते हैं भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी कि 9 + 20 - 1 तो बराबर 28। तो देख रहे हैं कि टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। बीच में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कमलेश का स्थान दाहिने तरफ से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमारा महिमा का स्थान दाएं तरफ लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं तरफ से क्या हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है आपको इसमें टाइप 3 में मिलेगा। ठीक, तो आगे जो बचा हुआ टाइप 4 और टाइप 5, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।